सभी को नमस्कार। मैंने आपको एक वीडियो दिया था आज राजकुमार भाई संजय गुप्ता जी की तरफ से, कुछ नॉवल्टीज़ थी एमडी फिस्टिकस वगैरह उसके बारे में, और मैं अपनी नॉवल्टीज़ और बुक्स वगैरह अरेंज कर रहा था। तो एक और आइडिया मेरे दिमाग में आया जो यूनिक है, मतलब फ़र्स्ट टाइम मैं बनाऊँगा वो। और ये एक्चुअली राजकुमार भाई मनोज गुप्ता जी के बारे में है, और इसमें मेरा जो वीडियो होगा वो इन स्टाम्प स्टिकर्स के बारे में होगा। और इस वीडियो के लिए आप सबसे ज़्यादा मेहनत मुझे लगता है इसी वीडियो के लिए लगी हुई मेरी। तो ये जितने भी नॉवल्टीज़ आती हैं राजकॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी के कलेक्टेड एडिशन से जो पहले आया करती थी, इस तरीके के देखिए पॉली बैग में ये कवर होते हैं स्केच कार्ड्स, और इनके साथ में कुछ स्टिकर्स, कुछ स्टाम्प स्टिकर्स, कुछ मैगनेट स्टिकर वगैरह होते हैं। तो मैंने एक एक नॉवल्टी को ढूंढ ढूंढ करके इस तरीके से देखिए जैसे ये है, तो इनको ढूंढ ढूंढ करके एक एक ओपन किया है। बहुत सारी पॉली बैग्स हैं, मतलब इतना थक गया मैं आपको ये दिखा देता हूँ, इतने कार्ड देख लो आप, ये सब इस तरीके की पॉली बैग्स में पैक थे। तो इन सभी को मैंने निकाला है, और चलो मैं इसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कौन कौन से कार्ड्स हैं ये। तो ये राजकॉमिक्स भाई मनोज गुप्ता जी के कलेक्टेड एडिशन से कार्ड्स हैं। फिलहाल मेरा जो फोकस रहेगा वो रहेगा स्टाम्प स्टिकर्स पे। तो स्टाम्प स्टिकर्स क्या होता है दिखाता हूँ। ये देखिए, ये छोटे छोटे से स्टिकर आए थे, ये फ्रेंडली सीरीज आई थी उसके अंदर आए थे, और ये कुछ मोबाइल स्टिकर्स हैं। तो ये अलग अलग कलेक्टर एडिशन में एक एक दो दो इस तरीके के स्टाम्प स्टिकर्स आते थे राजकुमार मनोज गुप्ता जी में। और ये सबसे पहली बार हमको दिखाई दिए थे प्रलय विनाश राजनगर की तबाही, ये जो आए थे प्रावी तारा करके उसमें, और जिनके फर्स्ट प्रिंट्स थे, मतलब फर्स्ट प्रिंट आफ्टर रिप्रिंट, उसके बाद जो उनके फिर से रिप्रिंट हुए उनमें नहीं थे। तो इनको मैं कुछ अरेंज करके दिखाऊंगा आपको कितने स्टाम्प हैं, और इन्होंने जो नंबरिंग दी है क्या वो सच में पूरी होती है, देखते हैं। तो एक एक जो स्टाम्प स्टिकर निकाला है वो अलग अलग नॉवल्टीज़ में से, किसी स्केच कार्ड में से निकाला है, प्रावी तारा में कुछ पोस्ट कार्ड्स थे शुरुआत में जब उन्होंने रिप्रिंट की थी तो उसमें से निकाला था। तो मैं दिखा देता हूँ शुरू से करके इनको, और इनको हम इसी वीडियो में इसको अरेंज करने की कोशिश भी करेंगे कि हमको ये, मैं कुछ अरेंज किए भी थे मैंने। तो ये देखिए, इनको रख देता हूँ फिलहाल। देखिए तो ये आप इसको देखते ही पहचान जाएंगे, क्योंकि पोस्ट कार्ड को तो पहचानना पॉसिबल नहीं था। ये राजनगर की तबाही में था, देखिए इसमें लिखा भी होगा राजनगर की तबाही, जो फर्स्ट ये सा स्टाम्प स्टिकर हमको 2021 में देखने को मिला था राजकुमार भाई मनोज गुप्ता जी की तरफ से। देखिए तो पहला है राजनगर की तबाही, इसको ऐसे रखते हैं। दूसरा है ये विनाश कॉमिक्स वाला, इस पर नंबरिंग है, ये ऐसे ऐसे इसको अरेंज कर रहा हूँ मैं। तीसरा है तानाशाह वाला, फोर्थ है प्रलय वाला, फिफ्थ ये है सूरमा, यहाँ लिखा हुआ है, नहीं भी लिखा तो मैं पहचान के बता सकता हूँ, ये है निशाचर, सिक्स्थ सेवन्थ कलयुग, यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, देखिए एट्थ है कयामत। अब जैसे इस पर नहीं लिखा पर मुझे पता है कौन सा है, ये है कोहराम का, कोहराम, अच्छा एट्थ, एट्थ के बाद इसी तरह 19 शुरू हो गया, तो हमें ये खोज करनी थी एक्चुअली, एट तक के तो मैंने अरेंज कर लिया। अभी देखिए ये थोड़े रैंडम है, ये कोहराम वाला है 19 वाला, संग्राम है 21, 20 नहीं मिल रहा, सर्वशक्तिमान है 22, 23 है सर्वनाश, 31 है कैंसर, ये कोई टू इन्होंने आया था, 32 है खरोंच, 33 है लड़ाके, 34 नहीं मिला, देखो 35 है टक्कर, सॉरी 34 मिल गया, 34 ये रहा शतरंज, 35 है टक्कर, और अगर ये 19 अगेन कोहराम डबल कॉपी होगी इस वजह से। तो ये हो गया, अब इनके बीच की कड़ियाँ जोड़नी है सारे, मैं कुछ और भी अलग करके लाया हूँ। ये तो वो विशेषांक थे जो टू इन वन थे या मल्टी स्टार थे, और जिनके साथ एक एक पोस्ट कार्ड आया था, और उस पोस्ट कार्ड के अंदर ये थे जो शुरुआत में जब मैंने जब मतलब आप समझ लो MRP या फिर जो 10% डिस्काउंट में लिया गया था वो, अभी जो बहुत सारे ज़्यादा डिस्काउंट में, तो वो नहीं, वो तो सिंपल रिप्रिंट्स हैं, और मतलब ग्लोसी में रिप्रिंट्स हैं, वो थोड़े से मैट फिनिश में रिप्रिंट आए थे। अब ये हैं इनके बीच की कड़ियाँ जोड़ते हैं। तो 8 तक हमने अरेंज कर लिए थे, यहाँ पे 19 से है, तो 10 नंबर हमको मिल गया, 9 नंबर मिल गया। ये विश्व रक्षण नाम से कलेक्टर एडिशन आया था नागराज यूज को, इसका 9 और 10 मिल गया, 8 नंबर हमको ढूंढना है। आई थिंक 8 है, सॉरी प्रावी तारा और जो निशाचर कलयुग वाला था उसमें 8 थे, हाँ 8 तक है ये, एक मिनट इसको उठाना मुश्किल रहेगा, इसकी हेल्प से उठाते हैं इसको, 8 तो ये थे जो 2 in 1 थे 8 का, यहाँ तक 9 और 10 मिल गए। चलो विश्व रक्षण वाले जो हैं वो 9 और 10 हैं, अब हमको ढूंढने 11 12 वगैरह, ये 11 नंबर मिला हमें पराक्रम 2 करके कलेक्टर एडिशन आया था उसका, 11 मिल गया। अब 12 ढूंढना, ये कौन सा है, 29, ये तो है आप पहचान गए होंगे, मैंने हमारा ध्रुव का तेरा कौन वाला, 38 संग्राम का जो नॉट संग्राम है, ये सम्राट और सोडांगी वाला जो कलेक्टर एडिशन है, 38 है ये, इनका सिक्वेंस मैं अभी के अभी अरेंज करता हूँ। 24 है ये हास्य सम्राट बाकीलाल का आया था, देखिए तो बाकीलाल का एक सीन है, देखो ये कलेक्टर एडिशन बनाया था, एक में भगवान शिव थे, एक में भगवान शिव नहीं थे, तो बैक में ये था राजा विक्रम सिंह का
पर बाद में थोड़ा एक कॉन्ट्रोवर्सी होती है, इसलिए इसे भगवान शिव को इससे रिप्लेस कर दिया गया था। तो दोनों सेम दिखेंगे पर आपको बकला अलग दिखेगा। तो ये 24-25 है, अब इनको अरेंज ऐसे करना पड़ेगा। 12 मिल गया, देखो आप 10 तक मिले हुए थे, 12 जो है ये है रोबोट का जो कलेक्टर एडिशन आया था उसमें से, अनुपम सिन्हा जी का ये 13 अवशेष का कलेक्टर एडिशन आया था। 13 तक मिल गए, 13, और ये 16 से हैं फ्रेंडी वाले जो हैं ना, वो देखेंगे कौन से। 30 है पाताल सम्राट तोसी वाला जो कलेक्टर एडिशन आया था, उसके बाद स्टाम्प स्टिकर 30 नंबर, तो 30 जाएगा 29 के बाद, यानी ये है तेरा कौन वाला। उसके बाद 49 ये है मैं हूँ भेड़िया वाला। फिर आ गया पाताल सम्राट तोसी वाला डबल में है, तो डबल वाले में कहीं और रख देता हूँ। महारावण वाला 27 51 कालचक्र का जो आया था, संपूर्ण कालचक्र, अगेन मैं हूँ भेड़िया वाला, एक और रिपीट है 49, ये रिपीट में जाएगा। 26 महारावण का जो कलेक्टर एडिशन आया था वो 26, ये रहा 20। फिर मैं पूरी सीक्वेंस बना के दिखाऊंगा। ये है लावा विनाश लीला वाला, इसके दो स्टिकर हैं, ये 50 नंबर यानी कालचक्र से पहले आएगा। अग्रज वाला 28, अग्रज 26 27 ये रहा 28। 19 कोराम, यानी कि इसी काफ़ी कॉपीज होंगी मेरे पास शुरुआत में, जो काफ़ी ली होगी। संग्राम 21 शायद ये पहले आ चुका है, सरस्वतीवन भी आ चुका है, ये भी आ चुका है, ये कौन सा है, कैंसर, ये भी डबल आ चुके हैं सर, ठीक है। तो अभी इनको मैं अरेंज करता हूँ, मुझे लगता नहीं इसे 50 आए होंगे, अगर आप आए हो तो आप मुझे बताना। तो 11 12 13 देखिए 24 और 25 अगर हम पकड़ें, 24 25 सासे सम्राट, 26 महारावण, इतना दूर से आपको दिख नहीं होगा, 26 27 भी महारावण का, 28 संपूर्ण अग्रज वाला, 29 मैंने वाला ध्रुव वाला, 30 पाताल सम्राट तोसी वाला, यहाँ पे एक सीक्वेंस पकड़ में आ रही है, 30 की 30 तक पकड़ में आ रही है। 30 के बाद ये सीक्वेंस टूटती है, फिर सीधी ये सीक्वेंस पहुँच जाती है यहाँ पर, ये तो 50-50 की सीक्वेंस है। लावा 50 पे, 51 पे कालचक्र, और 49 यानी 49 पर माऊ भेड़िया। अभी सीढ़ी जुड़ेगी कैसे समझ नहीं आ रहा। 38 पे ये सम्राट वाला, खैर ये कौन से हैं, 11 12 13 चलिए 10 तक हो गए, 13 तक हो गए, 24 25 अच्छा ये डबल नहीं थे, सॉरी मैंने वो रख दिए। 21 संग्राम वाला, 22 सर्वशक्तिमान वाला, 23 सर्वनाशी टू इन्होंने जो ध्रुव कहा था, 23 के बाद अब मिल गई सीक्वेंस, देखो 21 से लेके फिर आगे पूरी मिल गई, बाकी लाल से लेकर के फिर ये 30 तक हम पहुंच गए, 21 से 30 पहुंच गए, 1 से 13 पहुंच गए, 21 से वो पहुंच गए। अब इनको अब से कनेक्ट करना है, ये जो था ना 31 32 33 34 35, ये अब मेरे प्राणों या टक्कर वालों को 35 तक भी मिल गए। फ्रेंडी को एक एक ओपन कर लेते हैं, मैंने दो पैकेट बना रखे हैं, उनमें से एक पैकेट ओपन कर लेते हैं, तो ये कुछ कनेक्शन बनेंगे इसके, क्योंकि बहुत ही माइनर थे और बहुत इनको किसी नोटिस भी नहीं किया था, तो इनका कोई डिटेल अवेलेबल नहीं थी, और काफ़ी मेहनत का काम था कि एक एक में से निकालो ढूंढो, पहले तो किसी से आई थी, इतने सारे नोवल्टीज़ में मिक्स हो जाती हैं, तो आज पूरा दिन में जाकर के इतना सा ये मिला मेरे को। ये कौन कौन से देख लेते लो, फ्रेंडी जो सीरीज आई थी हॉरर सीरीज थी, उसमें 16 15 14 17 18 अच्छा 14 से 18 ही मिल रहा है, अगर मेरे को जोड़ दो ना, मतलब सीक्वेंस मतलब नहीं निकलेगा वो सीरीज़ का, फिर मैं ऐड कर देता हूँ एक बार ऐसे ही। तो 13 तक हमको ही मिल गए थे, 14 से 18 मिल गए, 21 से मिला, 19 20 नहीं दिख रहा कहीं पे, 21 से ही मिल गया, 21 30 मिल गया, 31 से लेकर के 35 तक भी मिल गया। अब इनमें कुछ और हो या मैंने कुछ मिस कर दिया तो मुझे पता नहीं, फ्रेंडी का तो देखना है नहीं, अब ये सब रिपीट दिख रहे हैं, 19 सारे रिपीट दिख रहे हैं, ये सारे रिपीट आई हैं, ये तो जो मैंने डबल लिया होंगे कलेक्टर में वो, तो इसमें क्या पता इन्होंने पूरे रेज किए कि नहीं किए। तो मेरे पास जो सीक्वेंस बन करके सामने आई है या उस तो मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, तो मैं आपको फाइनल एक सीक्वेंस दिखा देता हूँ इसमें से, कुछ और तो मुझे नज़र नहीं आ रहा इसमें। जलजला वाला देखो, ये एक नया आया है, कुछ और रुको रुको, जलजला वाला कितना 20 नंबर है, कोहराम के बाद जलजला आई थी ना, कहाँ गया, 11 12 15 16 17 18 19
20 भी आ गया, अब 19 नहीं मिल रहा, देखते हैं इसमें कहीं कुछ और मिल जाए तो। 19 कोहराम वाला है, वाह। एक सीक्वेंस पूरी बन जाए तो मैं आपको दिखाऊँ। 18 19, चलिए चलिए चलिए, अब शो करता हूँ मैं। अब काफ़ी सीक्वेंस बन गई, इनमें भी कुछ अगर और नज़र आएगा जो इसको ओपन करके रख लेते हैं इसे, तो इनमें से अगर कुछ और नज़र आएगा तो उसको ऐड कर लेंगे उसमें, और तो नज़र नहीं आ रहा मुझे। अब देखिए कितनी सीक्वेंस हमारे सामने आई है, तो माफ़ी चाहूँगा काफ़ी लंबा वीडियो बन गया। अब देखिएगा एक एक करके, इसको फोकस कर देते हैं। हाँ फोकस हुआ, एक नंबर राजनगर की, तो भाई अलग ही रखूँगा ताकि एक पूरी सीक्वेंस का एक अलग पैकेट बना दूँगा। 2 विनाश, 3 तानाशाह, 4 प्रलय, 5 सूरमा, 6 निशाचर, 7 कलयुग, 8 कयामत, 9 विश्वरक्षण, 10 विश्वरक्षण, 11 पराक्रम 2, 12 रोबोट, मैं कलेक्टर एडिशन नाम ले रहा हूँ, 13 अवशेष, 14 15 16 17 और 18 फ्रेंडी, 19 कोहराम, 20 जलदला, 21 संग्राम, 22 सर्वशक्तिमान, 23 सर्वनाश, 24 हास्य सम्राट, 25 हास्य सम्राट, 26 महारावण, 27 महारावण, 28 अग्रज, 29 मैनाद्रोको, 30 तौसी, 31 कैंसर, 32 करौच, 33 लड़ाके, 34 शतरंज, 35 टक्कर, 35 टक्कर। अब इनमें देखते हैं कोई, अब नहीं मिल रहा हिसाब किताब, बीच में होता है मुझसे कुछ मिसिंग हो गया हो। संपूर्ण कालचक्र वाला कहाँ गया, वो दिख नहीं रहा कहीं पे, ऐसा नहीं वो कोई 36 कहीं हो, इसमें कहीं हो कालचक्र, तो मैंने देखा हुआ है, मिला था मुझे अभी कहीं, लेकिन दब तो नहीं है, कोई नहीं देख लेंगे। और फिर ये सीधा सारी चिकन टूट गई है, फाइनली ये बचता है 38 सम्राट वाला, फिर 39 40 कुछ नहीं, फिर 49 है सीधा माहू भेड़िया, 51 है कालचक्र वाला, और 50 है फिर मतलब 50 है लावा वाला, 49 50 51 और ये कालचक्र वाला। मतलब इसमें अब क्या मिसिंग रहा, 35 मतलब 1 से लेके 35 तक पूरे मिल गए, 1 से 35 पूरे मिल गए, फिर 36 37 गायब हैं, फिर 38 हमारे सामने हैं, उसके बाद कुछ नहीं सीधा, फिर 49 है, फिर 50 है और 51 है। तो ये है मेरा स्टाम्प का, जितना मेरे को समझ में आया उस तक मैंने कुछ मिस कर दिया हो कलेक्शन, जितना मैं अलग कर पाया उस तक मेरे से कुछ काफ़ी मैंने ओपन नहीं किया होंगे इस वजह से। तो ये आज मेरे सामने है क्योंकि इनको निकालने की हिम्मत ही नहीं होती थी, कि करके मेहनत करनी पड़ती है, अभी इनको फिर से पैक करना पड़ेगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अंत तक बने के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं इसका या मोबाइल स्टिकर का भी एक कवर कर लेता हूँ।